Bismillahirrahmanirrahim. Justice for Naqeeb Masood Shaheed. Naqeeb Masood Shaheed, जो कि कराची में अपना कारोबार करना चाहता था, जिला मदीर कराची में एक जाली पुलिस मुकाबले में शहीद किया गया। ब्रदर नकीब मरहूम का खून इंशाल्लाह रायगा नहीं जाने देंगे और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नकीब मसूद शहीद के साथ इंसाफ होगा। और अभी जो अदालतों में ये केस जाएगा और अदालतें उम्मीद है कि स्पीडी जस्टिस करेंगी, निकलोगे तो मिल जाएंगी हर मोड़ पे लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। नकीब शहीद के अपनी बेटियों के साथ खूबसूरत तस्वीर और दूसरी तरफ जाली इनकाउंटर पार्टी। नकीब मसूद शहीद का ये बेटा आतिफ, जो कि अभी यतीम हो चुका है, इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से हमारा ये मुतालबा है कि इसके बेटे आतिफ को कैडेट कॉलेज में तालीम दिलवाया जाए और उसको लेफ्टिनेंट बनाया जाए और आर्मी इस की परवरिश की जिम्मेदारी लें। उम्मीद है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब हमारे इस मुतालबे पर गौर करेंगे और इस प्यारे से बच्चे आतिफ को अपने शहीद बाबा का ख्वाब पूरा करेंगे। हम पश्तून बहुत सब्र कर चुके हैं और इस मुल्क में और भी कर रहे हैं और दुश्मनों के अलाकार नहीं बनेंगे, मगर रियासत को भी हमारे इस दुख का मदावा करना चाहिए। तेरह जनवरी को जनरल ये राव ने एसएसपी मलिर राव ने नकीब को शहीद करवाया था और 27 जनवरी को इंशाल्लाह राव अनवर हथकड़ियों में इंशाल्लाह पेश होगा। आज 25 तारीख है। अब दुआ यही कि शहीद नकीब को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम दे। तमाम सोशल मीडिया, तमाम पाकिस्तानी कौमियत, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, बल्तिस्तानी सब का शुक्रिया अदा करते हैं सोशल मीडिया के ताकत से। हम इंशाल्लाह नकीब को इंसाफ दिला कर रहेंगे। आपका खैर ख्वाह आपका भाई सईद रहमान खटक, जद्दा से।